अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ेड एम नकवी और आज हम ये सीखेंगे कि क्या इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। पिछली दफ़ा हमने ये सीखा था कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं और अगर आपको ईमेल आईडी बनाना आता है तो इंटरनेट से पैसे कमाना बहुत ही आसान है। तो जो पहला और सबसे लेंथी, सबसे अच्छा और अर्निंग करने वाला तरीका है वो है वेबसाइट क्रिएट करना। और वेबसाइट के लिए आप किसी भी अच्छी साइट पर चले जाएं, तो ये जो आप देख रहे हैं pkrich.com, ये मेरी साइट है, आप यहाँ से जाकर भी वेबसाइट ले सकते हैं। और बहुत सी और साइट्स भी हैं, जिस तरह ये देखिए hostgator.com है, ये वेबसाइट्स देता है, tmdhosting.com ये भी वेबसाइट्स दे रहे हैं। उसके अलावा रीसेलर क्लब है जो कि रीसेल करने की सर्विसेज भी देता है। सबसे पहले आप अपने डोमेन नेम रजिस्टर करें। अब डोमेन नेम क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, ये दो तरीके हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है वेबसाइट बनाने के लिए। यानी सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, मतलब pkrich.com जिसको मैं रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आपने डोमेन रजिस्टर करनी है। डोमेन रजिस्टर करने के लिए ये नेम सजेशन टूल भी मौजूद है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह की डोमेन ली जाए। मसलन आपका अगर गारमेंट्स का बिजनेस है तो आप गारमेंट्स लिख के सजेशंस पूछिए कि कौन सा लिया जाए, तो ये जो अवेलेबल होंगे उसके लिहाज से वो कुछ नाम भी आपको बताता है। my-garments.com फिलहाल कोशिश करें डैश वाले नाम ना लें। व्यू मोर, मसलन आप जिस वक्त www. करके जिस तरह yahoo.com या google.com या ये वेबसाइट है youtube.com कोई भी नाम, तो जिस जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है डोमेन्स एक ख़त्म होती जा रही हैं। सबसे मशहूर .com है, उसके बाद देखें भी बहुत सी सैकड़ों एक्सटेंशंस जो हैं ये बन चुकी हैं, ये आप देखिएगा, ये सब एक्सटेंशंस हैं .club.org.biz.online.net.in.site.xyz.info.us.pk.name। यानी बहुत सी बेतहाशा किस्म की वेबसाइट्स की एक्सटेंशंस आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो बादशाह है इन सब एक्सटेंशन का वो है .com। तो आप यहाँ से कोई ऐसी अपने बिजनेस रिलेटेड, अपने टॉपिक के रिलेटेड आप वेबसाइट्स लें। फ़र्ज़ किया अगर आपका बिजनेस है होलसेल की, आप चीज़ें बेचते हैं, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें बेच सकते हैं, ये भी एक अर्निंग का एक हिस्सा है। जिस तरह बहुत सी साइट्स हैं, OLX है या daraz.pk है या और भी बहुत सी साइट्स आ रही हैं शॉप के हवाले से, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अभी सबसे पहला जो मरला होगा वो है डोमेन नेम परचेज करने का। तो यहाँ से आप साइन अप करें या डोमेन परचेज कर लें, उसके बाद आप साइन अप कर लें। मसलन हम परचेज करते हैं बाय अ साइट फॉर मी, बाय अ साइट फॉर मी .com। ये .com को हम सेलेक्ट किया है तो ये .com है। इसी तरह हम करके अभी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिख भी सकते हैं, लेकिन .com सेलेक्ट किया है हमने। और यहाँ से हम अभी सर्च डोमेन नेम को क्लिक कर लें कि आया कि ये बाय अ साइट फॉर मी .com ये अवेलेबल है या नहीं, ये कह रहा है कि ये अवेलेबल है। जब आप नाम रजिस्टर कर लेंगे, उसी तरह साइन अप की तरह प्रोसेस है, आपने साइन अप करना है और .com को प्रेफर करें। मसलन आप लेते हैं कि शेख AIKH गारमेंट्स, शेख गारमेंट्स .com, तो उसको सर्च करें
अगर अवेलेबल हुआ तो आ जाएगा कि जितने अवेलेबल है shapegarments.com, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वो पूछेगा आपसे चेकआउट करने के लिए, चेकआउट पे क्लिक करें, अपने लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये कार्ट के अंदर यहाँ पे उप शॉपिंग कार्ड होता है जिससे आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चेकआउट करेंगे तो ये चेकआउट में फिर ये पूछ रहा है कि आपको होस्टिंग कौन सी लेनी है। मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस बताए जा रहे हैं, लिनक्स के सिंगल डोमेन है, तीन डोमेन है, अनलिमिटेड डोमेन्स हैं। तो होस्टिंग कौन सी लीजिए, अब होस्टिंग होती क्या है, डोमेन नेम हमने डाल दिया, अब ये कह रहा है कि होस्टिंग मुझे दो। होस्टिंग क्या चीज़ है? एक्चुअली होस्टिंग ये वो जगह है कंप्यूटर्स की कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट की पिक्चर्स, आपका डाटा सारा पड़ा होगा जिस कंप्यूटर के ऊपर, उसे कहेंगे होस्ट, कि वो आपकी वेबसाइट को होस्ट किए हुए हैं, यानी उधर उसने आपका उसका मेहमान बनाया हुआ है या उसकी वहाँ पे आपका सारा डाटा मौजूद है। अब कोई भी इंसान जब भी उसको ऑनलाइन इंटरनेट से ढूंढेगा तो आपकी वेबसाइट उसको मिल जाएगी, यानी उनका कंप्यूटर हर वक्त ऑन रहेगा, उनकी बिजली ज़ाया होगी, उनका कंप्यूटर, उनका डाटा, उनका, तो उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं, यानी उस चार्जेस को पे करना होता है होस्टिंग की शक्ल में। होस्टिंग लेनी है तो होस्टिंग ले, नहीं लेनी है आपके पास अवेलेबल है पहले से तो उसको नो थैंक्स प्रोसीड कर दें, आप अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ से आप उसको फर्दर लॉगिन करके या क्रिएट एन अकाउंट करके फर्दर आप परचेज कर सकते हैं।